हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार विश्वकर्मा। मैंने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है इजी ट्रांसफार्मर, यानी कोई भी आदमी आसानी से किसी भी तरह का ट्रांसफार्मर का डेटा इस ऐप के मदद से ले सकता है। इस ऐप में आप स्टेप अप या स्टेप डाउन, किसी भी तरह का ट्रांसफार्मर हो उसका डेटा वाइंडिंग का SWG सब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। इजी ट्रांसफार्मर, इस आइकॉन पर क्लिक करिए। आइकॉन पर क्लिक करने के बाद पावर बटन को प्रेस करिए। उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर डिज़ाइन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिज़ाइन, SWG चार्ट, कोर एरिया चार्ट, ई कोर डेटा, इस तरह की सारी डेटा आपको मिल जाएंगे। अब सबसे पहले चलते हैं कि आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर डिज़ाइन पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपको जैसे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बनाना है, 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर बनाने के लिए लगभग हमको 15 नंबर कोर की ज़रूरत पड़ती है। तो 15 नंबर कोर में एक के लेंथ में देखेंगे तो यहाँ चार्ट में तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक इंच कर देंगे और विड्थ उसका हम एक मान के चलते हैं। ठीक है, और यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी में आप यहाँ पे वोल्टेज है हमको चाहिए 12 वोल्ट, यानी आउटपुट हमको 12 वोल्ट चाहिए। एम्पियर हमको चाहिए 5 एम्पियर चाहिए, और हम कितने वोल्ट से चला रहे हैं यानी प्राइमरी वोल्टेज 220, और एंटर कर देंगे। यहाँ पे एरर दे दिया कि आपका जो एरिया है वो कम है कोर का। अब यहाँ पे 1.5 दे के देखते हैं, इंटर करें, डेटा हमें मिल गया, यानी कि हमारा जो बॉबिन साइज़ होगी वो होगी 1 इंच बाई 1.5 इंच। ये आपका 15 नंबर कोर पे बनेगा। अब 15 नंबर कोर पे हमें क्या करना होगा, वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग हमें करनी होगी। यहाँ पे वाइंडिंग डेटा में जब आएंगे तो प्राइमरी में टर्न देखिए 1100 दिया हुआ है, सेकेंडरी में टर्न दिया है 60। तो प्राइमरी में आपको वायर जो साइज़ है वो है 0.3। अब इस SWG चार्ट में 0.3 देखेंगे, आपको MM में देखिएगा, यहाँ पे आपको 0.3 मिलेगा, 0.3 अप्रॉक्स 30 नंबर तार से मिलेगा। तो 30 नंबर SWG आपको प्राइमरी में राउंड करना होगा जो 1100 राउंड होगा, और सेकेंडरी में है 1.22। अब 1.22 आपको मिल जा रहा है 18 नंबर, SWG चार्ट में आप देखेंगे तो 18 नंबर आपको मिलेगा। वहाँ से आप 60 राउंड मार देंगे तो आपको 12 वोल्ट 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं, बैक किया मैंने यहाँ से, अब बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेपलाइजर में जो ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं उनका डेटा। स्टेपलाइजर डेटा के लिए आपको जैसे घर में यूज़ क्या होता है, सबसे पहले यूज़ होता है जैसे TV केबल चलाना है तो आपको 300 वाट का स्टेपलाइजर चाहिए, फिर 500 वाट का, थोड़ा सा लोड ज़्यादा है तो 500 वाट, और ज़्यादा लोड है तो 1 किलो वाट, 2 किलो वाट, 3 किलो वाट, 5 किलो वाट, 7.5 किलो वाट या 10 किलो वाट, इसको हम लोग KVA भी कहते हैं। मान के रखते हैं मेरे घर में समरसेबुल है और सब कुछ है, मैं सब कुछ चलाना चाहता हूँ और मेरे को लगभग 5 किलोवाट की ज़रूरत है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे 5 KVA दूंगा तो इसमें आपको इंटरप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक ये सारा कैलकुलेशन करके आपको दे देगा। अब 5 किलोवाट के लिए आपका SWG जो होगा वो होगा 12 नंबर, और किट SWG होगा जो वो 24 नंबर, जो किट के लिए सप्लाई जो दी जाती है उसको 24 नंबर तार से लपेटेंगे, और जो आपका ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग यानी स्टेबलाइजर के लिए जो करेंगे स्टेप अप के लिए वो 12 नंबर से करेंगे। तो इसमें आपको माफ़ करिएगा, इसमें आपको फर्स्ट राउंड जो निकालना होगा यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट राउंड जो निकालना होगा 167 राउंड 12 नंबर तार से करेंगे, और इसी से 12 नंबर तार से ही कंटिन्यू, फर्स्ट लूप निकालने के बाद सेकेंड लूप आपका 248, थर्ड लूप 297, फोर्थ लूप 347, और फिफ्थ लूप जो होगा 359। ये ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर के लिए निकालेंगे, और किट के लिए आपको अगर 22 वोल्ट आउटपुट ले रहे हैं यानी किट जो है आपका 22 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है तो आप 22 वोल्ट उसमें आउटपुट लेंगे, तो 27 राउंड मारेंगे कितने किट SWG 24 से,
ठीक है। अगर आप मैनुअल ट्रांसफार्मर बना रहे हैं जिसमें आपका रोटरी लगता है, तो आप प्राइमरी में 223 यानी कि 223 राउंड देंगे, और सेकेंडरी में आपको 24 राउंड का 7 लूप निकालना होगा। तो 7 लूप निकालने के बाद आपका रोटरी पे सेट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपको इसी में कोई और लूप निकालना है जो आपको डेटा इस चार्ट में नहीं है, तो आप इंटर वोल्ट में वहाँ पे वोल्टेज डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए हैं मुझे यहाँ पे 48 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है इन केस, तो मैं यहाँ पे किया और फाइंड कर दिया, तो उसके लिए मुझे 57 59 टर्न देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप अपना लूप का अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बैक अगर मान लीजिए मैं कोर लेंथ है, कोर जो है एरिया है, मान लेते हैं मेरे पास 7 नंबर का कोर है और मैं 4 इंची में बनाना चाहता हूँ यही चीज़, तो 4 इंची के लिए आपके लिए 4 इंची या 5 इंची, तो 5 इंच का आपका वो एमएम में आप निकाल लीजिए, है ना। और निकालने के बाद इस पर डेटा आप डाल के देखते हैं तो आपका उतना बन जाएगा कि नहीं। अगर मान लेते देखते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई और कोर पड़ी हुई है, मैं उसका डेटा डालता हूँ, मान लीजिए कि 2 इंची है, 2 इंची का मतलब होता है 50, लगभग 51 हो गया, सॉरी इंटर किया। आप इसको 2 इंच पे भी बना सकते हैं, लेकिन 2 इंच पे जब आप बनाएंगे तो आपका राउंड बढ़ जाएगा और आप उतने SWG पे आप इसको पुटअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बैक अब SWG चार्ट आपको देखना है। SWG चार्ट आपके सामने यहाँ पे दिया है, इसमें आपको एम्पियर और कितने मीटर पे 1 किलो होता है वो SWG, उतना एम्पियर का आपका एरिया, SWG का साइज़, डाया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। इन केस आपको के दिखने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद कोर एरिया में आप आएंगे, कोर एरिया अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोर का साइज़ दिया है, सब ये इंच में है, तो आप इसे कोर एरिया और कोर एरिया का विड्थ यानी कि आप कितनी चौड़ाई होगी उसकी, ठीक है, स्ट्रैक जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सारा डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद फिर है कोर का डेटा, यानी कोर अगर मान लीजिए 33 नंबर का कोर लेते हैं तो उसमें कौन सा डेटा कितना होता है, साइज़ क्या होगा EI का, वो सारा डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।